हेलो दोस्तों, एनबीटी देख रहे हैं आप और आज हम आपको पाइनएप्पल करी बनाने की आसान सी रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। इस करी को आप साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। ये एक फेमस साउथ इंडियन रेसिपी है जिसे आप चावल या पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसे बनाने का तरीका। पाइनएप्पल करी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में 1 कप बारीक कटा हुआ नारियल लें। अब इसमें 1 चम्मच राई, 1/2 मिर्च डालें। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए 2 चम्मच गुड़ पाउडर, 1/2 टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक बड़े बाउल में कटा हुआ पाइनएप्पल यानी अनानास लें। इसे तैयार पेस्ट में डालें। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 1 चम्मच राई डालें। जैसे ही राई चटकने लगे इसमें थोड़ा करी पत्ता डालें और अच्छी तरह सौते कर लें। जो बैटर हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था अब उसे कढ़ाई में डाल दें। दोस्तों, पाइनएप्पल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करता है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस टेस्टी करी को उपमा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप अचार या फिर चटनी खाकर बोर हो चुके हैं तो इस करी को साइड डिश के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। ये साइड डिश आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप पाइनएप्पल को सिर्फ एक फ्रूट के तौर पर सर्व ना करके आप इसकी करी भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं और ऐसे ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें एनवीटी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है NBT हिंदी न्यूज।